नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, Redmi ने अपना नया फोन यहां पे लॉन्च कर दिया है। दोस्तों Xiaomi की तरफ से Redmi ने अपना नया फोन यहां पे लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Mi Y2। दोस्तों Mi Y2 का हम यहां पे पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं, यहां पे हम जानने वाले हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और मेरा ओपिनियंस क्या है उस फोन को लेकर। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो उस फोन के बारे में और आप बाय करना चाहते हो उस फोन को और डेट जानना चाहते हो कि भाई कौन सी डेट से आपको वाला फोन मिल सकता है, तो फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखते रहिए। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर आपके यार समझ में नहीं आएगा, पॉइंट मिस हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसी वीडियो और देखना पसंद करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और रिजल्ट के बारे में, सरकारी चीजों के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन मिल जाएगा, आपको उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और खास करके जो नोटिफिकेशन आएगा साइड में उसको जरूर ऑन कर लेना है दोस्तों, तभी आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख पाओगे। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी जान सके इस फोन के बारे में। तो वीडियो फटाफट से हम दोस्तों टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे Mi 2 की डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों उसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले है 16M कलर के साथ। उसके दोस्तों बात करते हैं उसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पे ओक्टा कोर का 2 GHz का ओक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 625 यानी कि 625 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है। दोस्तों ये वाला फोन आपको 2 वेरिएंट में मिल जाता है, दो वेरिएंट में आपको ये वाला फोन मिल जाता है, 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये वाला फोन मिल जाएगा और 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये वाला फोन मिल जाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है वो डिफरेंट है दोनों फोनों की, जो 3G वाला फोन है उसकी प्राइस यहाँ पे है 49 यानी कि 9,999 रुपए में आपको ये वाला फोन मिल जाएगा, यानी कि इवन 10,000 रुपए में आपको ये वाला फोन मिल जाता है। और दोस्तों बात करते हैं 64G वाला, वो जो वेरिएंट है 4G वाला उसकी बात करते हैं, तो वो वाला फोन यहाँ पे आपको 12,999 रुपए मिल जाता है। दोस्तों 12,999 रुपए में आपको ये वाला फोन मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों फोनों में से कौन सा फोन अच्छा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर दोस्तों जो उसके और कुछ स्पेसिफिकेशन बचे हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कैमरे के बारे में, जो कि मोस्ट होता है हर फोन के, मतलब जो बंदा फोन लेता है, जो भी पर्सन फोन लेता है वो कैमरे को देख के लेता है। दोस्तों कैमरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो रियर वाला कैमरा है वो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 12 MP प्लस 5 MP। जो तो 12 MP वाला कैमरा है वो यहाँ पे आपको कैप्चर करके देता है बहुत अच्छी एक इमेज, यानी कि बहुत अच्छी फोटो आप खींच सकते हो उस वाले कैमरे से। और जो 5 MP वाला कैमरा है वो आपको जो डिटेल्स होती हैं उनको एकदम हाई करके देता है, यानी कि उनको कैप्चर करके देता है डिटेल्स को अपने आपके फोटो में बहुत अच्छे तरीके से। और ये वाले कैमरे आपको 5 एलिमेंट्स के साथ आपके देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं जो फ्रंट वाले कैमरे की, सेल्फी वाले कैमरे की, तो वो आपको यहाँ पे 16 MP का कैमरा मिल जाता है विद 5 एलिमेंट्स लेंस के साथ। और इसका एपर्चर की बात करें तो 2 एपर्चर के साथ आपको ये वाला कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें ब्यूटी प्लस बहुत सारे जो मूड होते हैं यार, जो सेल्फी खींचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मूड होते हैं, सेल्फी खींच लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको मूड देखने को मिल जाते हैं सेल्फी वाले कैमरे के लिए। दोस्तों अगर आप भी मतलब कैमरे के दीवाने और आप मतलब कैमरे की वजह से आप फोन बाय करना चाहते हो तो ये फोन आपको जो 32GB वाला फोन है और 3GB RAM वाला है, ये वाला फोन आपको जो 9,999 वाला है यानी कि 10,000 रुपए वाला, ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है बैक साइड में, दोस्तों बैक साइड में जस्ट कैमरे के नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है विद फेस लॉक के साथ। दोस्तों फेस लॉक ये वाला फंक्शन, मतलब ये वाला जो फीचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वाले फोन में कि यार आपको यहाँ पे फेस लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है केवल 10,000 रुपए में। तो ये वाला फीचर मुझे काफी अच्छा लगा इस वाले फोन में। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार ये वाला फोन है ना, ये वाला फोन आपको जो Redmi का Y1 है वो है 9,000 रुपए का और ये है 10,000 रुपए का। तो इसमें मतलब जो बंदा होता है वो फोन लेता है वो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार Redmi का Y1 लूं या फिर दोस्तों यहाँ पे ये एक फोन और उतार दिया मार्केट में जो Y2 है उसको लूं, 1,000 रुपए का अंतर है। और यहाँ पे जो कैमरा है उसमें वो जो Redmi का Y1 है
उसमें केवल आपको रियर की तरफ एक कैमरा देखने को मिल जाता है केवल 13 मेगापिक्सल का। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको 12+5 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाते हैं जिससे आप पोर्ट्रेट मोड वाला फोटो ले सकते हो। दोस्तों पोर्ट्रेट मतलब ये होता है कि आपका केवल आपका जो फोटो है केवल वही देखेगा क्लियर, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। और ये वाला पोर्ट्रेट मोड वाला आपका फोटो दोनों ही कैमरे से खींच सकते हो, फ्रंट वाले से और रियर वाले से। तो ये वाला फीचर भी इसमें बहुत अच्छा है। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, दोस्तों जो मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन को लेकर मैं आपको बताता हूँ। जो 12,999 रुपए वाला फोन है उसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यार वो उस फोन से आप अच्छा है जो रेडमी का प्रो है उसको ले लो, एम आई का जो प्रो है उसको ले लो, वो ज्यादा बेटर है इस वाले फोन से। मगर दोस्तों ये 10,000 रुपए वाला फोन है ये मुझे बेटर लगता है रेडमी Y1 से, बहुत ज्यादा इसमें फीचर है, फेस अनलॉक का भी इसमें आपको सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों ये वाला सही है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा जो कंफ्यूजन होता है आपके दिमाग में कि यार कौन सा फोन लूँ, 10,000 रुपए की रेंज है, बहुत सारे कैमरे की अगर आप देखें तो बहुत सारे कैमरे ही मिल जाते हैं ऐसे यहाँ पे, जो उनका जो अपेक्चर होता है वो 2 का होता है, अपेक्चर 2 और कैमरे भी सेम यहाँ पे मिल जाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे ये वाला फोन मुझे काफी अच्छा लगा है, जो 10,000 रुपए वाला है, 3 GB रैम प्लस 32 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला है, ये वाला फोन मुझे काफी कूल लगा, बहुत अच्छा फोन लगा, बजट फोन है एक। दोस्तों यार आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको इन दोनों में से तीनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा, इस चीज को मुझे जरूर से कमेंट में मेंशन कर देना। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।